नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देखिए बच्चे, आयरन के बाद सेकंड मोस्ट एक्सट्रैक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉपर की। तो कॉपर में क्या हो रहा है देखिए बड़े ध्यान से। पहले तो इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर देखेंगे। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, बॉर्नाइट एंड क्यूपराइट, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले ओर्स हैं जिनमें कॉपर का अमाउंट कंपैरेटिवली हायर होता है। एक बात और बताना चाहूँगा, कॉपर की अक्रेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड 0.00001% है। तो बहुत ही कम अमाउंट में ये ऑल ओवर कंपैरेटिव टू अदर एलिमेंट्स पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में फर्स्ट प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस अर्लियर लेक्चर्स में आपको समझाया। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एज सच यूज़ की जाती है जिसमें सल्फाइड ओर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा बच्चे, प्रेजेंस ऑफ एयर में ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है या सल्फाइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए इसमें होगा क्या क्या। रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये की जा रही है। फ्री सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, जो सल्फर फ्री पड़ा होगा सेपरेट होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। फिर आर्सेनिक और एंटीमनी जो प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी विद कॉपर, उसको वॉलेटाइल ऑक्साइड्स में बदल दिया जाता है, मतलब ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, वॉलेटाइल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बदल जाएंगे। फिर जो हमारा एक और कॉपर पायराइट ओर था वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में बदल जाता है। जो आयरन सल्फाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो हमने सब में देखा कि बेसिकली ये अल्टीमेटली किस में बदल रहे हैं, अपने ऑक्साइड में बदल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग, और ज़्यादा पोरस हो रहे हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्टेप्स में हमें और ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करने का मौका मिले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करेंगे, इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट से। तो नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करेंगे देखिए बच्चे, सबसे पहले स्मेल्टिंग में डायग्रामेटिकली बताने लगे हैं क्या क्या हो रहे हैं। देखिए ये स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म है जिसमें यहाँ पे हर्थ रखी गई है जिसमें स्लैग का आउटपुट और मॉल्टन मेटे का आउटपुट। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले फायर ब्रिक्स हैं, वाटर जैकेट है ताकि कूलिंग भी हो सके, और ट्यूअर्स लगे हुए हैं ताकि हॉट एयर ब्लास्ट अपर साइड जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या इनपुट कर रहे हैं, रोस्टेड ओर, कोक और सेंट। रोस्टेड ओर, कोक और सेंट। तो देखिए क्या होगा बड़े ध्यान से, और ऊपर जो गैसेस बाहर आ सकती हैं वो वेस्ट गैसेस की फॉर्म में सेपरेशन भी हो सकती है। रिएक्शंस देखिए क्या हो रही हैं इसमें, जो फेरस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू कॉपर, तो आयरन ऑक्साइड बना, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बना। अब सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फेरस ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया, ठीक है। फिर फेरस ऑक्साइड क्या करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में स्लैग फ्लक्स प्लस गैंग क्या बना देगा, स्लैग बना देगा, ठीक है, और स्लैग एज सच बाहर आ जाएगा, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे मेल्ट होके बाहर आ जाएगा।
तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे जो जो ओर में से हमने ये चीज़ें बाहर निकाली हैं, तो ज़्यादातर जो मॉल्टन मेटे आउट, जो चीज़ बाहर आएगी उसे मॉल्टन मेटे आउट कहेंगे। इसमें कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉपर विद सल्फर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पे अभी भी आयरन सल्फाइड लिटिल बिट अभी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपर को सेपरेट कर रहे हैं, बट नॉट इन एग्जैक्ट दैट फॉर्म विच वी वॉन्ट। इन नेक्स्ट स्टेप्स व्हाट वी विल डू इज फर्दर वी विल रिएक्ट मॉल्टन मेटे और एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम इट। नेक्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं आफ्टर स्मेल्टिंग, दैट इज बेसमराइजेशन। बेसमराइजेशन में क्या होता है, देखिए बेसमर कन्वर्टर लिया गया है जिसमें हम मॉल्टन मेटे जो स्मेल्टिंग में हमारे पास आया था मेटे, वो मॉल्टन फॉर्म में हम ले रहे हैं और सैंड ले रहे हैं उसके साथ। और यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट है, ये ट्यूअर्स हैं, ठीक है, जिसमें से हॉट एयर बाहर आ पाए। अब देखिए बेसिक लाइनिंग दी गई है और वेस्ट गैसेस का आउटपुट छोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए स्लैग अगर करना है तो इसको ऑपोजिट करके जो नीचे बैठ जाता है स्लैग, वो बाहर भी आ सकता है। तो अब देखिए रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं बेसिकली किस में, बेसमराइजेशन में। तो देखिए जो सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है, जो लिटिल बिट मॉल्टन मेटे के साथ रह गया था, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि हॉट एयर हम पुटअप कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। जो ऑक्साइड बना फेरस ऑक्साइड, वो सिलिकन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में दोबारा से सिलिकन डाइऑक्साइड सैंड की फॉर्म में आ रहा है, तो रिएक्ट होके स्लैग बना देगा। क्या बना देगा, स्लैग। तो जो स्लैग बना, ठीक है, वो एज सच यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। इन्वर्ट करेंगे तो हम इसे अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्यूप्रस सल्फाइड मॉल्टन मेटे में प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, जो हमने अर्लियर पहले भी किया था। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यूप्रस ऑक्साइड में बदला। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है देखो एज सच दोबारा से क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। इसमें कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट पाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है ये, और खुद ही अपने ही और को मतलब रिड्यूस करने में सक्सेसफुल होती है और कॉपर एज सच सेपरेट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। अब जो कॉपर हमें मिला, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि ये 98% प्योरिटी पे है। कितनी परसेंट प्योरिटी पे, 98%। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो 2% अभी भी इम्प्योरिटी रह जाती है, ठीक है। वन थिंग मोर, इसको बच्चे हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, और ये अबाउट 98% प्योर होता है, 2% इम्प्योरिटी होती है इसमें। नेक्स्ट हम करेंगे कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स और एंड स्क्रैप्स। कॉपर को हम लो ग्रेडेड ओर से एज सच सेपरेट कैसे कर सकते हैं और स्क्रैप से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर को एसिड और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में लीच आउट किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव में बदल जाएगा, वाटर एज सच सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जो कॉपर टू पॉजिटिव बना उसको हम स्क्रैप आयरन से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है।
स्क्रैप आयरन से जब रिएक्ट करेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर टू पॉजिटिव आयन एज सच, बिकॉज ई नॉट वैल्यू, एज यू ऑल नो, ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज प्लस 0.34 वोल्ट एंड आयरन इज माइनस 0.44 वोल्ट. तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, खुद आयनाइज हो जाएगा. तो कॉपर एज सच सेपरेट हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था, और साथ साथ कॉपर टू पॉजिटिव से ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन भी है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, ई नॉट वैल्यू जीरो, और कॉपर की क्या है, प्लस 0.34 वोल्ट. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी भी हाइड्रोजन इज अबव देन कॉपर. तो हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन देके आयनाइज हो जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा. इस तरह से हम कॉपर को कंपैरेटिवली सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप आयरन, एसिड और बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. जिंक एलिमेंट को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देखिए फर्स्ट हमने आयरन का किया, फिर हमने कॉपर का किया. ये टू एलिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, लेकिन इन केस जिंक आ गया तो आप कैसे करेंगे और क्या लिखेंगे. देखिए ओर्स ऑफ जिंक, जो मेन ओर्स ऑफ जिंक है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट. तो देखिए स्टेप नंबर वन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर चुके हैं, आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू जिंक सेपरेट हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा वी कैन से. रोस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप इज रोस्टिंग. रोस्टिंग में क्या होगा, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हाई टेम्परेचर पे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हीट अप करते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड किस में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में. नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पे 1673 केल्विन पे जिंक में बदल दिया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज सच सेपरेट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं रिफाइनिंग. रिफाइनिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम किस तरह से फर्दर प्योरिफिकेशन को रिफाइनिंग कहते हैं. रिफाइंड एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट होता है बच्चे, ठीक है. तो फर्दर प्योरिफिकेशन कैसे होगी, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. बच्चे जिंक में कैडमियम, लेड और आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स का, ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज डिफरेंट फ्रॉम कैडमियम, लेड एंड आयरन. क्या करेंगे, स्पेशली डिज़ाइंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट में हम टेम्परेचर को हाई करते जाएंगे. फर्स्ट सेपरेशन कहाँ पे आएगी, बॉइलिंग पॉइंट जब कैडमियम का अचीव होगा. सेकंड सेपरेशन हमें किसकी मिल जाएगी, जिंक की, बिकॉज जिंक का टेम्परेचर बहुत डिफरेंट है देन कैडमियम, लेड और आयरन. तो सेपरेशन पहले किसकी होगी, कैडमियम की, सिंस इट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन जिंक. सेकंड सेपरेशन में कौन आएगा, जिंक आएगा. तो हम जिंक को भी इस तरह सेपरेट कर लेंगे और इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा गया. नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, और हम तभी सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है. लास्ट एलिमेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन किस तरह होगी, बड़े ध्यान से समझिएगा. पहले ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉक्साइट ओर जो कि बहुत फेमस है, क्रायोलाइट ओर एंड फेल्डस्पार ओर एंड माइका. ये ओर्स ज़्यादातर एल्यूमिनियम के फेमस हैं, जिसमें से एल्यूमिनियम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो देखिए स्टेप वन, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बियर्स प्रोसेस कहते हैं इसे.
प्योरिफिकेशन करेंगे पहले, सबसे पहले क्या होगा, जो बॉक्साइट ओर लिया हमने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर देंगे और वाटर से रिएक्ट कर देंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। वो जो सोडियम एल्यूमिनेट बना उसको कार्बन डाइऑक्साइड से फर्दर रिएक्ट कर देंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एल्यूमिना आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एज सच बाहर आ जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये वही प्रोसेस है जो लीचिंग हमने की थी, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। इसमें उसमें हमने सोडियम साइनाइड लिया था, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एलुमिना जो आ गया, उसके बाद 1423 केल्विन पे एलुमिना बन जाएगा Al2O3 और हाइड्रेटेड फॉर्म सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा पर्टिकुलर कंडीशन पे 473 टू 523 केल्विन पे, 35 टू 36 बार प्रेशर पे हम सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट बना देते हैं, ठीक है, और फर्दर उसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एलुमिना में बदल देते हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ एलुमिना को 1423 केल्विन पे एलुमिना में सेपरेट किया जाता है और इस तरह से हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एलुमिना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसको हम हेल हेरोल्ट प्रोसेस भी कहते हैं, याद रहे हेल हेरोल्ट प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप करा हमने, इसमें कॉपर क्लैंप्स लगाए गए हैं जो कि एनोड का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लाइन क्लैंप्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं जो एनोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कार्बन लाइनिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैथोड को। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मेन रिएक्शन जो रोल प्ले हो रही है वो है एलुमिना रिएक्टेड विद कार्बन। कार्बन क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कार्बन लाइनिंग दी गई है, और किस में बदल रहे हैं, एल्यूमिनियम में, और कार्बन डाइऑक्साइड एज सच सेपरेट हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रोड वाइज हम देखते हैं रिएक्शन को, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड कहाँ है, कार्बन लाइनिंग की फॉर्म में इनर पार्ट ऑफ कंटेनर में है। तो देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एल्यूमिनियम में बदल रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम में जो बदल गया वो हम सेपरेट कर देंगे, आउटलेट ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है लोअर साइड ऑफ कंटेनर में। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कार्बन जो हमने यूज़ किया लाइनिंग की फॉर्म में वो ऑक्सीजन, एलुमिना में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है O2 नेगेटिव की फॉर्म में, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहे हैं, और अगर लार्जर नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयन्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। बेसिकली हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गया और एलुमिनियम सेपरेट हो गया जो हमने इस रिएक्शन में भी देखा था, ठीक है। और उसके बाद एल्यूमिनियम को सेपरेट करने के बाद हम ये अभी भी कह सकते हैं कि ये प्योरीफाई टोटली नहीं हुआ, ये लार्ज अमाउंट में ये जो हमने एल्यूमिनियम पाया इसमें लार्ज परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को फर्दर अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें रिफाइनिंग प्रोसेस थर्ड स्टेप यूज़ करना पड़ेगा, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे कि मैंने जिंक के पार्ट में भी बताया था कि रिफाइनिंग प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में अलग अलग प्रोसेसेस, इसकी भी रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम की भी रिफाइनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर फोर्थ लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।